ये हमने लोगो प्रिंट के लिए मशीन बनाया है, इसमें हाई प्रोडक्शन के लोगो प्रिंटिंग किया जा सकता है, चाहे लोगो वो किसी का भी हो, जूते का पर का हो, टी शर्ट का हो, ट्रैक सूट का हो, या किसी भी चीज़ का लोगो प्रिंट किया जा सकता है, इसका अपने आप ही नीचे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इससे आप DTF का स्टिकर लगा सकते हैं, विनाइल स्टिकर लगा सकते हैं, और आपका हीट ट्रांसफर स्टिकर लगा सकते हैं। करेंगे तो बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, जब ये प्रिंटिंग हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। ये ऊपर उठा, ये प्रिंटिंग हुआ है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग है। लोग इस पे एक्रेलिक पे जो है UV से प्रिंटिंग करते हैं जी, लेकिन हम सब्लिमेशन से कर रहे हैं। अब ये जैसे अंदर गया, फिर हम बटन प्रेस करेंगे यहाँ से, ये ऑटोमेटिक प्रेस हो गया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। एक बार और दिखाएं। ओके, ये देखिए आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आपको एक ऐसी कंपनी के आउटलेट पर लेकर आया हूं जहां पर आप लोगों को सब्लिमेशन प्रिंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जहां पर आप लोग टी शर्ट प्रिंटिंग से लेकर शूज़ का आप लोग यान भी प्रिंट कर सकते हैं, और यहां पर आप लोग मल्टीपल प्रिंटिंग के ऑप्शन देख सकते हैं। सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन, हीट प्रेस, फ्यूजिंग मशीन, लाइनर प्रिंटिंग मशीन, बहुत सारी आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है बिजनेस की। अगर आप लोग कोई नया बिजनेस फाइंड आउट कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है। सर मेरे साथ में जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ये लेकर आए। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर। तो सर क्या कुछ लेकर आए हैं इम्प्रेस प्रिंटिंग? सर बेसिकली क्या है, देखो मैं पहले अपने बताना चाहूँगा कि मैं हमारा जो मशीन कंपनी का नाम है वो है इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जी, और हम ये सारी मशीनें ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब चाइना का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सारा अवॉइड करते हैं, क्योंकि चाइना में कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, क्वालिटी नहीं होती है, और हमारे इंडिया के लिए वो बेहतर नहीं है। तो हम उसके लिए हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग किया, खुद का यूनिट लगाया जिसमें हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इसमें अलग अलग टाइप की मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिसमें कि आपको एग्जांपल दिया जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है, हीट प्रेस मशीन मैन्युफैक्चरिंग किया है, आपका लैनयार्ड प्रिंटिंग मशीन है, स्क्रीन एक्सपोजिंग है, सूज के अपर प्रिंटिंग मशीन है, फ्लैग प्रिंटिंग है, और आपका DTF प्रिंटिंग का सॉल्यूशन भी हम देते हैं, हीट ट्रांसफर स्टिकर बनाने का पूरा सेटअप लगाने का पूरा सॉल्यूशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा आपका हाई डेंसिटी स्टिकर बनाने का पूरा सॉल्यूशन देते हैं, और इसके अलावा आपका जैसे लेनयार्ड हो गया, लेनयार्ड के अलावा बेल्ट हो गई, बेल्ट प्रिंटिंग का जो स्कूल की बेल्ट होती है, स्कूल के IPL की जैसे टी शर्टें होती हैं, स्पोर्ट जर्सी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसकी प्रिंटिंग की मशीन हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कैप प्रिंटिंग करते हैं, आई कार्ड की जो लेनयार्ड का कार्ड फ्यूजिंग मशीन होती है, लेनयार्ड कार्ड फ्यूजिंग मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये सारी मशीनों को हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और लोगों को नया सेटअप लगवाते हैं, या जिसका लगा हुआ है तो उसको एग्जिस्टिंग मशीन अच्छी क्वालिटी पे अच्छे रेट में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, साथ में इस तरीके की मशीनरी खरीद के जो कि मेड इन इंडिया होने वाली है, और प्राइसिंग भी आप लोगों को इनकी बेस्ट मिलने वाली है चाइना के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सारी जानकारी देते हैं। सर आज हम ना यहाँ पे हमने गिफ्ट एक्सपो में एग्जीबिशन लगाया है, तो इसमें हम आपको मल्टीपल मशीनें हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आपका लैनयार्ड प्रिंटिंग मशीन हो गया, टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन हो गया, बेल्ट प्रिंटिंग मशीन हो गया, और आपका जूते के अपर जो होते हैं वो प्रिंटिंग हो गया, स्वारोस्की प्रिंटिंग हो गया, स्टोन पेस्टिंग मशीन हो गया, और आपका विनाइल प्रिंटिंग हो गया, और DTF प्रिंटिंग हो गया। ये सारी प्रिंटिंग हम इन प्रिंटिंग की करने वाली मशीन है मैन्युफैक्चरिंग कर, यानी कि मल्टीपल प्रिंटिंग होने वाली है और मशीनरी जो है हर तरीके की प्रिंटिंग कर सकते हैं जी सर। सो सर आपके सामने जो इसमें इंडस्ट्री जैसे हम देखा जाए कि इंडस्ट्री वाइज क्या क्या इंडस्ट्री में हम मशीनें दे सकते हैं। ओके, स्पोर्ट इंडस्ट्री में हमारी मशीनें जा सकती है, आपका गारमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, इसके अलावा आपका सूज इंडस्ट्री में जा सकता है, चप्पल जो होती है उनके स्लीपर जो होते हैं उन पर एम्बॉजिंग वाली मशीनें हम बनाते हैं, और आपका टी शर्ट पर एम्बॉजिंग होता है, और आपका हुडीज़ पे एम्बॉजिंग होता है, ये सब एम्बॉजिंग की मशीन भी हम बनाते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग बनाते हैं, उसके अलावा आपका स्क्रीन एक्सपोजिंग हो गया, क्यूरिंग मशीन हो गया, इसके अलावा हम स्टिकर बनाने वाली मशीन भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो आपके हीट ट्रांसफर स्टिकर होते हैं वो बनाने वाली मशीन भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका पूरा सेटअप लगा के देते हैं लोगों को। और इसके अलावा आपका सब्लिमेशन में जैसे आप जाएंगे, जैसे मैंने आप बोला इंडस्ट्री वाइज जाएंगे तो इंडस्ट्री में आपका स्पोर्ट इंडस्ट्री हो गया, आपका सूज इंडस्ट्री हो गया, सूज एंड स्लीपर के ऊपर जो स्टोन लगते हैं वो भी हम लगा सकते हैं, और आपका गारमेंट इंडस्ट्री में आपका किसी भी टाइप का लोगो प्रिंटिंग हो गया, या फुल सब्लिमेशन हो गया, या स्टोन पेस्टिंग हो गया, या सूट जो होते हैं सूट के ऊपर जैसे हम स्टोन लगाते हैं इस टाइप का, जैसे होता है इस टाइप का स्टोन सूट के ऊपर लगाया जा सकता है। ओके, ये स्टोन पेस्टिंग हो गया, और ये प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखता है जैसे कि आप स्टोन ये देख सकते हैं आप। ओके, तो ये कौन सी मशीन को यूज़ करके लगाए जाते हैं सर? ये मशीनें मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस किस मशीन से आप लगा सकते हैं, छोटा साइज का चाहिए छोटा साइज का लगा सकते हैं, बड़ा साइज का चाहिए बड़ा साइज का भी लगा सकते हैं हम लोग। इसके अलावा ये सीक्वेंस हो गया आपका,
ये सिक्वेंस सिरोस की, ये सूट पे, साड़ी पे और आपका दुपट्टे पे ये सब प्रिंटिंग किया जा सकता है। बुरखे के ऊपर जो लगता है वो भी हम कर सकते हैं इन्हीं मशीनों से। तो ये सारी चीज़ें मशीनें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरा सेटअप देते हैं, पूरा ट्रेनिंग देते हैं उनको कि कैसे मशीन चलाना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे बिजनेस लाना है, वो पूरी ट्रेनिंग हम इसमें देते हैं। इसके अलावा हम जाएंगे तो स्पोर्ट जर्सी के लिए जैसे हम पूरा फुल पल्ला प्रिंट करते हैं, ये जैसे आपकी IPL की टी शर्ट होती है, क्रिकेट की टीम की टी शर्ट होता है, किट होता है पूरा आपका। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो भोले की जो कावर लेने जाते हैं वो टी शर्ट बनाते हैं, तो वो प्रिंटिंग पूरा कर सकते हैं। तो इस टाइप की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। ये वाली बड़ी मशीन से कर किया जा सकता है। जो बड़ी मशीन मैंने दिखाया है ये 30x40 इंच का साइज़ है। इसमें आपका फुल साइज टी शर्ट कर सकते हैं और सिरोस्की कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं। 30x40 इंच का है और इसमें कस्टमाइज भी हम बना सकते हैं। और ये सिर्फ फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप जैसे हम यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। एक बार और दिखाएं। ओके, ये देखिए आप। अब ये जैसे अंदर गया, फिर हम बटन प्रेस करेंगे यहाँ से, ये ऑटोमेटिक प्रेस हो गया। अब जैसे ही टाइम हो जाएगा हमारा, एक मिनट, जैसे ही हमारा टाइम हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, नीचे आएगा। अब ये रिटर्न ऑटोमेटिक जाएगा। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इससे आपका स्पीड, आप स्पीड में काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन ले सकते हैं। यानी कि दो बेड इसलिए लगाए गए हैं, अगर एक तैयार होने के लिए गया है तो दूसरा इसके ऊपर में सेट। जी सर, जी सर, इसमें एक पे तैयारी कर रहे हैं, इस पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये प्रिंटिंग पे चला गए। तो जब तक ये प्रिंटिंग होगा तब तक ये प्रिपरेशन हो जाएगा, ये बैक साइड चला जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा। और ये हमारा डबल बेड मशीन है। इसी हिसाब से हम इसमें और भी मशीनें बनाते हैं जो अलग अलग, 36x48 इंच हो गया, 40x60 इंची हो गया, और छोटा मशीन भी चाहिए उसमें 16x20 हो गया, 15x15 हो गया, 16x24 हो गया, 20x24 होगा। और इस पर आप अपर भी प्रिंट कर सकते हैं, जूते के अपर कर सकते हैं, टी शर्ट कर सकते हैं, ट्रैक सूट कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं, तो कुछ भी चीज़ आप इस पर प्रिंटिंग कर सकते हैं या स्टोन पेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो अगर जैसे कई बार गिफ्ट एक्सपो है तो गिफ्ट के लिए हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए। अभी यहाँ पे ये देखेंगे तो आप, ये प्रिंटिंग हुआ है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग है। लोग इस पे एक्रेलिक पे जो है यूवी से प्रिंटिंग करते हैं जी, लेकिन हम सब्लिमेशन से कर रहे हैं। सब्लिमेशन से आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसा है, शाइनिंग आ रही है, कलर भी काफी अच्छे आ रहे हैं जी। ठीक है सर, इसके अलावा हमारे एक और हमने दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का सीट है। आप पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा ये पूरा, ये एल्यूमिनियम सीट है। तो इसका भी किसी को रिक्वायरमेंट होता है तो इसका मटेरियल और आपको प्रिंटिंग का पूरा ट्रेनिंग और मशीनरी वो सारा मैं प्रोवाइड करता हूँ। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप देखेंगे तो गिफ्टी में ही हमारा एक और चीज़ चलता है, इसको हम बोलते हैं माउस पैड होता है, और ये मैट है जी, ये टेबल मैट है। टेबल मैट ये पूरा प्रिंट हुआ है सब्लिमेशन। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कैसा क्वालिटी आया है इस पर। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, और ये यहाँ से सिलाई हुआ है, इसका मटेरियल और इसका प्रिंटिंग का पूरा डिटेल वो सारा हम दे सकते हैं। ठीक है सर, और इस पर माउस पैड भी कर सकते हैं आप, मतलब मशीन एक और काम मल्टीपल अनेक। अब इसमें साइजेज अलग अलग हो सकते हैं काम के हिसाब से। नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं आपको, देखो ये जो अपना इसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाया हमने, ये नाइट में जो चमकता है, जैसे टी शर्ट वगैरह पर लगता है, जैकेट पर लगता है, सेफ्टी जैकेट पर लगता है, तो ये भी हमारी मशीनों से होता है। इसका भी एक कस्टमाइज हम मशीन बनाते हैं तो उससे ये भी कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। और आपका जैसे कि आपका ग्लेटर होता है, ग्लेटर हो गया, और आपका ये देखिए आप, काफी सारे ब्रांड नेम दिख रहे हैं इसके ऊपर। कोई भी काम कर सकते हैं इस टाइप से, ये भी हो सकता है आपका। और हम क्या दिखाने वाले थे, आपका सूज के अपर दिखाते हैं हम आपको, बेल्ट प्रिंट है, आपको लैनयार्ड प्रिंटिंग तो दिखाया अभी हमने, इस टाइप से बेल्ट भी प्रिंट किया जाता है, स्कूल बेल्ट जी। इसके लिए भी मशीन का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्कूल बेल्ट बना सकते हैं आप इसमें। और ये पटका होता है, जो निवाड़ होता है, निवाड़, ये निवाड़ भी आजकल प्रिंटिंग चल रहा है, ये निवाड़ का प्रिंटिंग भी कर सकते हैं आप लोग। और लैनयार्ड का तो हमने आपको दिखाए थे, इसे मशीन में दिखा देता हूँ आपको। तो इस मशीन का बेल्ट का साइज क्या होने वाला है सर? सर ये देखो, देखिए ये लैनयार्ड प्रिंटिंग हुआ है। अब इसमें कलर देखिए, दोनों साइड में कलर पूरा 100% ट्रांसफर हुआ है, क्लियर है कलर भी, और बिल्कुल साफ कलर आ रहे हैं जी सर। ये देखिए आप, और दिखा देता हूँ। तो ये सारे के सारे जो है इसी मशीन से, इसी मशीन से प्रिंट हुआ है। बहुत बढ़िया। ये दोनों साइड से आप देखिए, दोनों साइड से क्वालिटी देखिए आप, बेस्ट क्वालिटी निकल के आ रही है। साइड एट ए टाइम प्रिंट हुआ है, एक टाइम पे दोनों साइड में प्रिंट, दोनों साइड में प्रिंट हुआ है। ये 13x40 इंच का है। इसमें आपका सिंगल बेड है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिंगल बेड है। अभी सिंगल बेड, ये ऑटोमेशन कैसे चलता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जी। जैसे कि अभी हमें लैनयार्ड,
इसको हमने जैसे कि लेनयार्ड के नीचे ऊपर नीचे प्रिंट करना होता है, तो नीचे पेपर कैसे लगाएंगे, तो हमने इसमें न्यूमेटिक सिस्टम दिया ऑटोमेटिक। अब इसके नीचे आराम से आप पेपर डाल सकते हैं नीचे। बहुत सही है। पेपर डालेंगे तो इससे पेपर डालने से आपका ये फिट हो जाएगा, फिर ये नीचे प्रेस किया हमने। अब इसको क्या है, आगे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे तो बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, जब ये प्रिंटिंग हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। ये ऊपर उठा, इसके बाद हमें अब लेनयार्ड आगे बढ़ाना है तो इसको हम रिलीज करेंगे यहाँ से। अब ये बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। देखा, ये जितना भी आप प्रेस करेंगे ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम दिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे न्यूमेटिक को ये टाइट करने का सिस्टम भी दिया है। ये रोलर को टाइट करने के लिए इस तरीके से आप टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। यानी कि सारे के सारे फंक्शन जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक होने वाले, ऑटोमेटिक है और किसी को भी रोलर वगैरह घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हाथ से कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना है। और इसमें हम जैसे आपको 13x40 दिया, इसमें मल्टीपल साइजेस बनाते हैं, 18x40, 26x40, और इसके अलावा फिर हम फुल्ली ऑटोमेटिक डबल बेड भी बनाते हैं। डबल बेड में आपका प्रोडक्शन 2x-3x बढ़ जाता है उसमें, क्या बात, तो वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम फ्लैग प्रिंटिंग कर सकते हैं मशीनों के अंदर, ये फ्लैग देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। अभी 15 अगस्त भी आने वाला है तो उसी तरीके से फ्लैग वगैरह भी प्रिंटिंग करके सेल आउट कर सकते हैं। और ये सूज इंडस्ट्री में एक ये भी चलता है आपका, ये देखिए रिफ्लेक्टर लगा है इस पे पटके पे जी, ये रिफ्लेक्टर लगाने वाली मशीन भी मैं बनाता हूँ खुद, ठीक है जी। और लैंडयार्ड के तो बहुत सारे सैंपल आपने दिखा रखे हैं, इस मशीन के थ्रू ही बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब इसी के थ्रू बना हुआ है। ये इसी मशीन से हम प्रिंट कर सकते हैं लैंडयार्ड एंड बेल्ट, स्कूल बेल्ट। अब इसके अलावा हम दिखाएंगे आपको ये पटके भी प्रिंट कर सकते हैं, इनको आप बोलते हैं सेशा जी, ये सेशा सब्लिमेशन प्रिंटिंग किया जा सकता है। इसका रॉ मटेरियल और मशीन खुद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और रॉ मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं इसका। यानी कि ये काफी जगह पे इलेक्शन वगैरह में भी देखते हैं, इलेक्शन वगैरह में भी जो चलता है, पार्टियों के पटके पटके प्रिंट होते हैं वो भी इसी मशीन से प्रिंट, मल्टीपल काम हो सकते हैं। उसके अलावा हम दिखाएंगे आपको आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जूते पे सब्लिमेशन प्रिंटिंग चल रहा है जी। ये जूते के अपर है और जूते के अपर पर सब्लिमेशन प्रिंटिंग होता है, क्या बात है। तो ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग भी हम प्रिंटिंग वाली मशीन भी देते हैं और साथ में प्रिंटर भी देते हैं। अगर सब्लिमेशन प्रिंटर चाहिएगा तो सब्लिमेशन प्रिंटर भी प्रोवाइड करेंगे आपको, और साथ में आपको पूरा सेटअप लगा के देंगे। इसका कैसे प्रिंटिंग होगा, इसके ऊपर इसको पेस्टिंग करना होता है, इसके टो होता है, टो को उसको पेस्टिंग करना होता है बुकरम से, तो वो भी पेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये मशीनें भी मेरे पास मिलता है, इसमें छोटा साइज का मशीन भी मिलता है जिसमें एक अपर प्रिंट हो जाए, इसमें मल्टीपल ही बनाता हूँ जिसमें 2-3 पेयर एक साथ भी प्रिंट किया जा सकता है। और बड़ा भी चाहिए तो और बड़ा भी मशीन बना के दे सकते हैं और हाई प्रोडक्शन के लिए चलाया जा सकता है इसमें। इसके अलावा ये जैसे हमने दिया है मशीन, ये हमारा 15x15 इंची का ऑटोमेटिक डबल बेड मशीन है जी, और ये ऑटो प्ले होता है। अब जैसे ही टाइम हो जाएगा ये अपने आप उठ जाएगा। तो ये भी हमारा डबल फास्ट प्रोडक्शन के लिए होता है, इसको बस स्लाइड करना होता है इस तरीके से। अभी जैसे हमने स्लाइड किया ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पहुंच के अपने आप ही नीचे हो गया, अपने आप ही नीचे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इससे आप DTF का स्टिकर लगा सकते हैं, विनाइल स्टिकर लगा सकते हैं, और आपका हीट ट्रांसफर स्टिकर लगा सकते हैं, और सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये इसके लिए यूज होता है। इसके अलावा कई बार कस्टमर का हमारे पास डिमांड आता है कि हमें छोटा मशीन चाहिए जिसमें हमें लोगो प्रिंट करना है। तो ये हमने लोगो प्रिंट के लिए मशीन बनाया है, इसमें हाई प्रोडक्शन के लोगो प्रिंटिंग किया जा सकता है। चाहे लोगो वो किसी का भी हो, जूते का पर का हो, टी शर्ट का हो, ट्रैक सूट का हो, या किसी भी चीज़ का लोगो प्रिंट किया जा सकता है इसके अंदर। ये भी डबल बेड मशीन है, क्या बात है। तो मशीनें सेलेक्टेड हैं बट काम उनके ना इतने सारे हैं, मल्टीपल तरह के जो काम है वो हम इन मशीनों के थ्रू कर सकते हैं। ये सर अभी मशीनें भी मेरे पास बहुत हैं, अभी यहाँ पे कुछ ही कम मशीन लगाया मैंने स्टॉल में, क्योंकि लिमिटेड ही जगह होती है। बिल्कुल। तो हमने लिमिटेड ही मशीनें लगाई हैं। तो इसके अलावा और भी मशीनें होती है, जैसे कि अभी एक इम्बॉजिंग मशीन है, ये इम्बॉजिंग मशीन है जी। जैसे चप्पल के ऊपर इम्बॉजिंग करना होता है, आपका स्लीपर के ऊपर जो होता है इम्बॉजिंग करना होता है, आपका टी शर्ट के ऊपर करना होता है, हुडीज के ऊपर करना होता है, और आपका इसके अलावा सूज के ऊपर भी कई इम्बॉजिंग चलता है। और इससे दोनों काम कर सकते हैं, इम्बॉजिंग भी कर सकते हैं और डिबॉजिंग भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये मल्टीपल फंक्शन है और इसका भी मल्टीपल साइजेज होते हैं, जैसे हमारा 6x6 इंची से लेके और आपका जो मर्जी का साइज आप ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग साइजेज भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस टाइप से। जैसे फुल टाइप का सब्लिमेशन ये होता है, पूरा पल्ला प्रिंट हो रहा है, और ये आपका इम्बॉजिंग है। और हम इसके अलावा ना कंटिन्यूस इम्बॉजिंग भी बनाते हैं। कंटिन्यूस इम्बॉजिंग में क्या होता है कि जैसे आपका ये आपका जैसे पटका होता है या बेल्ट होता है, जैसे अंडरगारमेंट में जो रबड़ लगता है, उसको सब्लिमेशन प्रिंटिंग भी किया जा सकता है और उसको कंटिन्यूस इम्बॉजिंग भी किया जा सकता है या डिबॉजिंग भी किया जा सकता है।
तो वो मशीन भी हम कंटिन्यूसली बनाते हैं, वो डिस्प्ले में नहीं है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हम दे सकते हैं। तो सर व्यूअर जैसा कि आपकी वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी सारी मशीनरी आपने हमें दिखाई है, बेसिकली आपके पास टोटल कितनी मशीनरी प्रोवाइड हो जाती है? सर मेरे पास ना बहुत सारे टाइप की मशीन है, बेसिकली मैं कस्टमाइज चीज पे काम करता हूँ। तो SPM जैसे हम बोलते हैं, स्पेशल पर्पज मशीन, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कस्टमर कहता है भाई मेरे को 15x15 इंच की मशीन चाहिए, तो उसके लिए हम वो बना के देंगे। कोई कस्टमर कहता है जी मेरे को तो 12x15 की चाहिए, तो 12x15 इंचेस का दे देंगे, वो कोई भी साइज को। और मैं ग्लोबली काम करता हूँ, इंटरनेशनली भी काम करता हूँ मैं, जैसे ऑल ओवर द इंडिया में हर जगह मेरी मशीनें जाती हैं, और इंडिया से बाहर भी मशीनों का हमारा एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर वीडियो कोई भी देख रहा है, चाहे वो इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है, सबके लिए यूजफुल होने वाली जी सर, बहुत बढ़िया। और चीप एंड बेस्ट होती है मेरी मशीनें जी। इसके अलावा हमारे पास कार्ड फ्यूजिंग मशीन भी होती है, ये कार्ड फ्यूजिंग मशीन है जिसके अंदर आपको लेनयार्ड के अंदर जो आई कार्ड का कार्ड होता है वो फ्यूजिंग किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा लेनयार्ड का सेटअप पूरा लगाने के लिए ये मशीन यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे पास में मैनुअल मशीन भी है एक, ये मैनुअल मशीन है नीचे रखी हुई जो ब्लू कलर का, ये 6x6 इंची का मैनुअल मशीन है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि भाई हमारा बजट नहीं है या हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करना होता है, तो वो मैनुअल मशीन भी लगा सकते हैं। और मैनुअल मशीन में भी मैं छोटे मशीन से लेकर और बड़े मशीन तक मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। छोटा मशीन जैसे कि आपका 6x6, 4x4, 3x3 इंची, 8x8, 10 इंची, 8x8, 8x10 इंची, और फिर मैनुअल में भी बड़े साइज भी बनाता हूँ। जैसे कोई कस्टमर कहता है, जैसे मैंने ये ऑटोमेटिक दिखाया था अभी 30x40 इंची का, आप कस्टमर कहता है भाई इतना बड़ा मशीन नहीं लगाना चाहता हूँ या इसके साथ एयर कंप्रेसर लगता है, वैसे तो मैं एयर कंप्रेसर साइलेंट भी प्रोवाइड करता हूँ जिससे साउंड नहीं होता है, लेकिन कोई कस्टमर कहता है जी मेरे को तो दिन में 10 ही T-shirt प्रिंट करना है, तो उतना बड़ा सेटअप लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो उसके लिए मैं मैनुअल मशीन भी प्रोवाइड करता हूँ। 30x40 इंची का मैनुअल मशीन भी मैं दे सकता हूँ, और उसमें भी मैनुअल में भी कई एक टाइप के वेरिएंट होते हैं मेरे पास में, तो जैसे ही हमारे पास कॉन्टैक्ट करेंगे लोग तो हम उनको उसके हिसाब से मशीन दे सकते हैं। तो सर कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो फैक्ट्री आउटलेट है वो कहाँ पर पड़ती है सर? सर हमारा फैक्ट्री जो है नोएडा सेक्टर 10 में पड़ता है, C59 सेक्टर 10 में मेरा एक फैक्ट्री है, दूसरा मेरा C105 सेक्टर 10 में है, और वहाँ पर हमें डायरेक्टली कोई भी पर्सन गूगल पर ट्राई कर सकता है, कॉल कर सकता है, और साथ में आपका YouTube पे हमें सर्च कर सकते हैं। YouTube पे मेरा इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चैनल चलता है जी, और इसके अलावा Instagram पे भी हैं, Facebook पे भी हैं, जहाँ भी सर्च करेंगे हर जगह हमारा रीच है। और उसके अलावा जो भी आप हमें ऑर्डर देंगे या जो भी आपको कस्टमाइजेशन करना है या कोई ट्रेनिंग लेना है या कुछ सीखना है, जैसे हम HD स्टिकर भी बनाते हैं तो कुछ भी सीखना है तो उसका पूरा ट्रेनिंग भी देंगे। इसके अलावा ये सर्विसेज लिखी हुई हैं मेरी काफ़ी कुछ, इसके अंदर देखेंगे तो आप ये सारी मशीनें मेरे पास बनती हैं जी। तो काफ़ी सारी मल्टीपल मशीनरी बनती है और काफ़ी सारे काम ये आने वाली है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, और बाकी ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो सर और कस्टमाइज बनाते हैं, ये देखिए आप एक क्यूरिंग मशीन दिखाइए आप, ये क्यूरिंग मशीन बनाते हैं हम, ये यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं किया है, क्यूरिंग मशीन है ये ऑरेंज कलर का, बहुत बढ़िया। तो ये क्यूरिंग मशीन आपका HD स्टिकर हीट ट्रांसफर स्टिकर मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, और जैसे कोई भी चीज़ हमें ड्राई करना है, टी शर्ट पर स्क्रीन प्रिंटिंग करने के बाद उसको ड्राई करना होता है, वो भी हम कर सकते हैं इससे। और क्यूरिंग मशीन के जैसे कि आपका अभी एक मैंने नया यूज़ दिया था कि जैसे कि आपका वायर होता है, वायर के ऊपर स्लिप चढ़ा के उसको हमें टाइट करना होता है, तो ये क्यूरिंग मशीन से ये भी काम किया जा सकता है, तो ये अलग टाइप की इंडस्ट्री में भी काम हो जाता है इस क्यूरिंग मशीन का। और आपका इधर साइड में देखेंगे तो स्क्रीन एक्सपोजिंग भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, स्क्रीन एक्सपोजिंग है ये। इसके अलावा हाई डेंसिटी स्टिकर बनाने के लिए ओवन होता है जी, हाई डेंसिटी बनाने इलेक्ट्रिक ओवन है ये। आपका मैनुअल मशीन में भी मैं डबल बेड मशीन भी बना सकता हूँ, जो हीट प्रेस मशीन होता है उसमें मैनुअल में डबल बेड वो भी बन सकता है। साथ में आप लास्ट में देखेंगे तो ये मशीन है मेरा हाइड्रोलिक में, अगर कोई कस्टमर को न्यूमेटिक नहीं चाहिए हाइड्रोलिक चाहिए तो मैं हाइड्रोलिक मशीन भी बनाते हैं हम। ये जो लास्ट में हाइड्रोलिक डबल बेड हीट प्रेस लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक में किसी भी काम के लिए हाइड्रोलिक चाहिए, चाहे इम्बोजिंग के लिए चाहिए, इम्बोजिंग में भी मैं हाइड्रोलिक बना के दे सकता हूँ। और हाइड्रोलिक का मल्टीपल यूज होता है, जैसे जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है तो हम हाइड्रोलिक प्रेस बना के दे सकते हैं। और उसके अलावा आप लेनयार्ड का डबल बेड मशीन है ये, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जी। तो इस तरह की मशीनरी आपके पास अवेलेबल रहती है, बहुत ज़्यादा रेंज अवेलेबल है मशीनरी की, और हर तरह की कस्टमाइजेशन आपके हाँ जी कोई भी हाँ जी, और कोई भी आदमी नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, और जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए भी मल्टीपल टाइप की मशीनें हम दे सकते हैं। थैंक यू सर जी। सर